ये तैयार हो गई है फिश हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़िबला, ज़िबलार किचन में आप सबका वेलकम करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ फिश। सुरमई फिश लिया मैंने यहाँ पे, इसको मैंने सिरका लगा के अच्छे से वॉश कर लिया था, छोटे छोटे पीस में कट कर लिया इसको। ताज़ा फिश लिया मैंने, फ्राई करेंगे हम इसको मसालों के साथ। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया मैंने 2 चाय के चम्मच। ये मैंने दालचीनी का पाउडर लिया है 1/2 चाय का चम्मच, और यहाँ पे मैंने गरम मसाला पाउडर लिया है 1.5 चाय का चम्मच। धनिया पाउडर लिया है 1.5 चाय का चम्मच। नमक टेस्ट के हिसाब से आप लोग डालिएगा, मैंने 1.5 चाय का चम्मच लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिए सूख मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर 1-1 चाय का चम्मच। बेसन लिया 4 खाने के चम्मच, और मैंने दही भी 4 खाने के चम्मच लिया। सबसे पहले हम बैटर बना लेंगे, उसमें से डिप करके हम फिश को तो फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम ऑयल गर्म कर लेंगे पहले। बनाना स्टार्ट करते हैं, बैटर बना लेते हैं फिश के लिए। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी बेसन, 4 खाने के चम्मच लिया मैंने बेसन। मसाले डाल देंगे, धनिया पाउडर, जीरा, दालचीनी पाउडर, और इसमें मैंने लिया गरम मसाला पाउडर, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। नमक लेंगे, ये भी शामिल कर देंगे। सूख मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर भी शामिल कर देंगे। सारे मसाले अच्छे से मिक्स करने हैं हमने, और यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर देते हैं। ये भी चला गया इसमें। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने फिश को लेमन जूस लगा के रखा था 1/2 घंटे के लिए, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा फिश में। मिक्स कर लेते हैं इसको। अच्छे से सारे मसालों को हमने मिक्स करने के बाद इसमें दही डालना है, दही को भी अच्छे से इसमें मिक्स करना है। ये हो गया, दही डाल देते हैं इसमें। ये मिक्स कर लेते हैं। इसमें आपने पानी शामिल बिल्कुल भी नहीं करना, और दही भी आपने गाढ़ा लेना है, इसमें पानी ना हो, क्योंकि हमने ऑयल में जो फ्राई करनी होती है फिश, तो ऑयल गर्म होता है तो उसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखें, अगर आपका बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो आप इसमें लेमन जूस डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया। हम फ्राई करने के लिए ऑयल गरम कर लेते हैं, एक एक करके हम फ्राई कर लेंगे। ऑयल गरम होने के लिए रख दिया मैंने, अच्छे से ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें फिश फ्राई करेंगे। ऑयल गरम हो गया है, ऑयल गर्म हो गया, फ्राई करना शुरू करते हैं। ये देखिए, इस तरह से डिप करके अच्छे से बैटर हमने बनाया, इस पर लग जाए। इसके बाद हमने आराम से डाली, इस तरह से हम दूसरा पीस भी डाल देंगे। आंच अपने मीडियम पे रखनी है,
अच्छे से इस पर लगा के आँच मैंने हल्की कर दी है। हल्की आँच पे हम बनाएंगे ताकि अंदर से कच्ची ना रहे, अच्छे से पक जाए। साथ साथ साइड चेंज करते रहें। ज़्यादा टाइम नहीं लेती फिश पकने में। ऑयल को आपने पहले अच्छे से गर्म कर लेना है, उसके बाद आपने आँच हल्की कर देनी है। ठंडे ऑयल में बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, कि अगर हम ठंडे ऑयल में डालेंगे फिश को तो चिपक जाएगी। बिल्कुल हल्की आंच कर दी है मैंने। जो भी निकाल लेते हैं, अगर हम इसको ओवर कुक करेंगे तो ये टूटने लग जाएगी। इसको निकाल लेते हैं। देखिए इस तरह से हम लगाएंगे इसको, उसके बाद हमने इसको फ्राई कर लेना है। इस तरह से इसमें टिप करें, हल्की आंच पे आप इसको फ्राई करें। डाल दिया। फ्राई चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल आराम से ताकि ये टूटे ना। मछली को साफ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो आप बाज़ार से भी करवा सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं कोई। उसके बाद उसको सिरका लगा के धो दें अच्छे से। सिरका लगाने के बाद आप उसको आधे घंटे के लिए रखें ताकि अच्छे से उसकी जो स्मेल वगैरह वो ख़त्म हो जाए। वैसे जो ताज़ा मछली होती है उसमें भी बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, जो बहुत पुरानी मछली होती है तो उसमें स्मेल आती है। स्मेल साथ साथ साइड भी चेंज करते हैं। सिरका लगाने के बाद आधे घंटे के लिए रख देंगे, वॉश कर लेंगे उसको, उसका पानी अच्छे से छन्ने में निकाल देंगे। उसके बाद हम लेमन जूस लगाएंगे, आधे घंटे के लिए रख देंगे लेमन जूस लगा के। अगर आप फौरन से फ्राई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। लेमन का जूस अच्छे से लग जाना चाहिए मछली के। उसके बाद बैटर बनाया मैंने आपके सामने, फ्राई कर लेंगे, तैयार हो जाएगी फ्राई मछली हमारी। ये हो गई है, निकाल लेते हैं इसको भी।
जो हम रेस्टोरेंट में खाते हैं फिश बिल्कुल इस तरीके से बनती है वो, घर में भी आसानी से हम बना सकते हैं। रेसिपी भी इसकी मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ये देखिए ये तैयार हो गई है फिश हमारी, फिश फ्राई रेस्टोरेंट स्टाइल मैंने बनाई है। इसको मैंने गार्निश कर दिया टमाटर के साथ, प्याज के साथ। ये देखिए कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है मेरी आज की रेसिपी तैयार है। आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.